The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aadshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम mathematical economics को पढ़ रहे हैं और mathematical economics के relations functions को पढ़ चुके हैं. हमने sequence and series को देखा और पिछले दो वीडियो से हमने limits को शुरू किया था. आ रहा है तो लेट्स चेक 5x माइनस 1 इज आवर डिनोमिनेटर
अब हम इसमें जीरो पुट करते हैं। जीरो क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि हमारी लिमिट में जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो की तरफ बढ़ रही है। अगर अब हम इसमें जीरो पुट करें, 5x-1 = 0 - 1 - 1, 5x - 1 = हमने इसको सॉल्व किया। अब हमारी दोनों कंडीशन जो है हम पूरी कर सकते हैं क्वेश्चन रूल की। और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 3x + 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 1। ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई फर्दर मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो इसमें x की वैल्यू है यानी कि जो फंक्शन में x जिस तरफ टेंड कर रहा है, सिंपली उसको पुट कर देंगे। और जब हम उसको पुट करेंगे तो उसमें हम लिमिट नहीं लिखेंगे। देखिए, जब हमने इसमें फंक्शन को पुट किया, जब हमने इसमें जीरो को पुट किया, यहाँ पे हमने टू को पुट किया, तो हमने लिमिट नहीं लिखा। हमने लिमिट इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को ही पुट कर दिया, तो लिमिट लिखने का कोई पॉइंट नहीं बनता। देखिए, अब किस तरीके से लिखेंगे, 3 0 + 1 upon 5 0 - 1। ठीक है, 3 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, विच विल बी 0 + 1। 5 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 - 1 = 1 upon - 1। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम दूसरा एग्जांपल जो है वो समझते हैं। दूसरा जो हमारा एग्जांपल है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू -2 x² + 5x। लिमिट x टेंड्स टू -2 x² + 5x। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कंबाइंड लिमिट निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल लिमिट्स को निकाल के उनको ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें इंडिविजुअल लिमिट्स लगाएंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -2 x² + लिमिट x टेंड्स टू -2 5x। यहाँ पे हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। ठीक है, लिमिट x → -2 x² + मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है। जब मैंने आपको कल रूल समझाए थे तो उसमें समझाया था कि कोई भी कांस्टेंट होगा वेरिएबल से अटैच, तो हमारा कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। इसमें 5 हमारा कांस्टेंट है तो 5 हमारा बाहर आ जाएगा। 5 लिमिट x → -2 5x। ठीक है, अब 5x को हमने कैसे सेग्रीगेट किया कि 5 को हमने बाहर रख लिया और x को हमने अंदर छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले दो क्वेश्चंस में किया है, अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x किसके तरफ टेंड कर रहा है, -2 की तरफ, तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 - 5 - 2 - -2 × -2 = -2 × -2 = हमेशा पॉजिटिव होगा, ±4 - 10 = -6। ठीक है, तो हमारे -1 - 6 हमने चार एग्जांपल्स बेसिकली अगर आप देखें तो समझ लीजिए। सबसे सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे समझा फाइनाइट और इनफाइनाइट लिमिट्स का, फिर हमने ये समझा। अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे और थोड़ा डिटेल में जो थोड़े डिफिकल्ट एग्जांपल्स हैं उनको भी करेंगे। थर्ड एग्जांपल जो हमें सॉल्व करना है, जो हमें देखना है, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 4x² - 3 / 2x² + 1। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्वेश्चन रूल लगना है, तो क्वेश्चन रूल में दो कंडीशंस होती हैं और उसमें सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो वैल्यू रखने के बाद जीरो के इक्वल तो नहीं हो रहा है। तो हम x की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे, 2 1² + 1 2 × 1 + 1 = 3। तो सेकेंड कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम इसमें क्वेश्चन रूल इजीली लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, सबसे पहले इसको न्यूमरेटर में लगाइए, फिर सेम लिमिट जो है वो डिनोमिनेटर में लगाइए, 2x² + 1। अब देखिए इसमें फर्दर किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल फंक्शन जो है वो मिक्स किए हुए हैं। हम सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल फंक्शन को अलग अलग करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें 4x² है, 4 को हम बाहर रख लेंगे, 10 x² - 3
सेम वे टू इसमें बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब इसमें कोई भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसमें x का वैल्यू डाल देंगे, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस 3, इसी तरीके से हम इसमें भी वैल्यू डाल देंगे, 2 1 स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उस बड़े क्वेश्चन से क्या हेल्प मिलेगी, जितने भी आपके लिमिट्स के रूल हैं वो सब उसी एक क्वेश्चन में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल 4 मान लीजिए, ये सबसे ज्यादा मैंने इसीलिए कराया है ताकि जितने भी अभी तक हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझे हैं, जितने भी रूल समझे हैं, वो सब इसमें यूज होंगे और धीरे धीरे आप पूरी तरीके से इसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन रूल बनाया था उसी तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल तो नहीं होगा, तो आप देखिए इसमें थोड़ा सा भी अगर आपका दिमाग लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, x इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 45 माइनस 39 प्लस 3, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट आपको भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है तो हम इसमें इजीली क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन रूल कैसे लगाते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर में सेम लिमिट लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, उसके बाद में हम डिनोमिनेटर में सेम लिखेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3, इसके बाद हमें क्या करना है, ये जितने भी लिमिट है ये इस तरीके से हमको गिवन है, ठीक है, हम लिमिट को क्या करेंगे, अंदर एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स की क्यूब माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 टू एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 टू एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 6, ठीक है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था आप इसमें भी लिख सकते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट की लिमिट कॉन्स्टेंट ही होती है तो उसमें उतना कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, बट फिर भी क्वेश्चन पूरे तरीके से सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में, तो ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 3 5x स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 3 13x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 3 3। अब आप समझिए हमने किस तरीके से इसको किया है, जो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझाई थी कि अगर हमें किसी भी दो फंक्शन का या दो से ज्यादा फंक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिमिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो फंक्शंस होते हैं उनकी लिमिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वही एग्जैक्ट हमने यहाँ पे किया है, जो हमारी इंडिविजुअल लिमिट्स हैं हमने उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल देखिए सेम है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल जो कि एक साथ हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल फंक्शन को अलग अलग करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स की क्यूब, इसमें कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है, इसमें कॉन्स्टेंट फंक्शन 2 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस इसमें हम क्या करेंगे 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 6, सेम वे हम डिनोमिनेटर में करेंगे अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और इसमें क्या है 5 एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 5 को बाहर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13 हमारा है
limit extends to 3x plus finally limit extends to 3. यहाँ तक बिल्कुल सिंपलीफाई हो गया. देखिए मैं फिर से समझा देती हूँ हमने क्या किया. सबसे पहले हमने चेक किया कि इसमें हम क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो ये प्रूव हो गया कि हम इसमें इजीली क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं. जब हमने इसमें क्वेश्चन रूल लगा दिया तो उसके बाद में हमने क्या किया, अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिमिट लगाई और फिर हमने उसको फर्दर इंडिविजुअल फंक्शन के लिए लिमिट को खोल दिया. जब हमने इंडिविजुअल लिमिट के लिए खोल दिया तो उसके बाद में हमने कॉन्स्टेंट और वेरिएबल फंक्शन जो है वो अलग कर लिए हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, देखिए समझिए. हमने कॉन्स्टेंट और वेरिएबल फंक्शंस को अलग अलग कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स की वैल्यूज को पुट करते हुए जाएंगे. और मैंने बताया था कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, जिस तरह वो टेंड कर रहा होता है हम वही वैल्यू पुट करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स की क्यूब 3 क्यूब. फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे -2 × x² 3² प्लस 2 लिमिट एक्स 3 -6 डिवाइडेड बाई, इस तरीके से हम करेंगे 5 लिमिट का एक्स स्क्वायर यानी कि 3² -13 × 3 प्लस 3. ये हमारी अब इक्वेशन जो है अलजेब्रिक फॉर्म में आ गई है. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. 3 का क्यूब 27, 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 3 × 9 3 × 27 -3² यानी कि 3² 3 × 3 = 9 × 2 = 18 9 × 2 = 18 प्लस 3 × 2 = 6 -6. देखिए प्लस 6 और -6 आ गया तो उसको आप यहीं पे काट दीजिए. 3² 9 9 × 5 = 45 -13 × 3 = 39 प्लस 3. फर्दर आप इसको सॉल्व कीजिए. 27 माइनस 18 आपका कितना आएगा, 9 आएगा. और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 45 + 3 = 48 और 48 में से 39 जाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा. इसको आप काट देंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है. मैं फिर से फटाफट से इसके स्टेप सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले हमने चेक किया कि हम इसमें क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते. एक बार कंफर्म हो गया कि हम इसमें क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, फिर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट लिमिट्स को लगाया और फिर उसके बाद में हमने इंडिविजुअल फंक्शंस में लगाया, फिर हमने कॉन्स्टेंट और वेरिएबल फंक्शंस को अलग लगाया, फिर हमारे जो वेरिएबल फंक्शंस थे जिसमें एक्स गिवन था हमने उसमें एक्स की वैल्यूज को रखा और सॉल्व कर दिया और फाइनली हमारी लिमिट जो है वो बन आ गई है. लिमिट्स में हमें इतना ही समझना है फिलहाल के लिए. फिलहाल हमें यह समझना है कि जो लिमिट्स नॉर्मली गिवन होती है उसमें हम किस तरीके से सॉल्व करके आंसर को लेके आते हैं. इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए या फिर हमारे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ इतना समझने की कोशिश की है कि अगर लिमिट्स नॉर्मली एडजस्ट करती है, यानी कि याद करें आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में फाइनाइट लिमिट और इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन बताए थे. आज की इस वीडियो में फाइनाइट लिमिट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने बताया था. इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम समझेंगे कि अगर इनफाइनाइट या फिर जीरो हमारी किसी लिमिट का आंसर आ रहा है तो हम किसको सोल्व करेंगे, किस तरीके से उसको सोल्व किया जाएगा. That's it for today's videos, guys. I hope you like my video. If you like it, please like it, share it with your friends, subscribe to the channel. Subscribe करने के बाद notification bell को जरूर on करें ताकि next time मैं जब भी video upload करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले. Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.